दोस्तों अगर आपकी कहीं पर भी किसी के साथ भी रोड फाइट हो जाती है और उस रोड फाइट के अंदर आप आसानी से वहां से बच के निकलना चाहते हो, पर आपके सामने वाला बंदा बिल्कुल फुल झगड़े के मूड के अंदर है, जैसे ही आप वहां से बच के निकलने की कोशिश करते हो और वहां से इस तरह से टर्न करते हो, अगर वो इस तरह से पीछे से आपका कॉलर पकड़ लेता है और उसी के साथ आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम के ऊपर दोस्तों इस तरह से अगर कॉलर पकड़ा हुआ है, सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने फेस को प्रोटेक्ट करें, एक हाथ को अपने फेस के एक साइड के अंदर, दूसरे हाथ को इस तरह से अपने फोरहेड के ऊपर इस तरह से प्रोटेक्ट करते हुए आप इस तरह से पीछे की तरफ टर्न करें। अगर वो आपके फेस के ऊपर स्लैब या पंच करता है तो आप आसानी से अपने एक हाथ से उसके हाथ को ब्लॉक कर सकते हो। अब आपका दूसरा हाथ बिल्कुल फ्री है और एनिमी के दोनों हाथ बिजी है, अंगेज है, तो इस टाइम के ऊपर आप अपने ही साथ से उसकी चिन के नीचे इस तरह से आप आसानी से अटैक कर सकते हो। दोस्तों इस टाइम के ऊपर उसका ये जो गले का पार्ट है, ये एक प्रेशर पॉइंट है, इसके ऊपर भी आप आसानी से इस तरह से अटैक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर अटैक करते हो, उसी के साथ तुरंत अपने अटैक वाले हाथ को, एनिमी ने जिस हाथ से कॉलर पकड़ा हुआ है, अपने हाथ को इस तरह से उसके राउंड अप करते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। अब यहाँ पर उसको लॉक लग चुका है दोस्तों, इसी के साथ अपने दूसरे हाथ को उसके फेस के ऊपर इस तरह से हिट करते हुए, अटैक करते हुए आप अटैक वाले हाथ को आगे की तरफ इस तरह से निकालें। अब फुटवर्क करते हुए अपने पैर को इस तरह से उसके पीछे की तरफ लेकर के जाएं और उसको इस तरह से राउंड करते हुए आप आसानी से नीचे की तरफ गिरा सकते हो। इस टाइम के ऊपर ध्यान रहे कि उसके एक हाथ को इस तरह से पकड़ कर रखें, अपने घुटने से उसके चेस्ट के ऊपर अटैक करते हुए और अपने हाथ से उसके फेस के ऊपर इस तरह से अटैक करते हुए आप आसानी से उसको वहां से मार करके आसानी से निकल सकते हो। ठीक है।